हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको लहंगे के ऊपर की ब्लाउज की कटिंग करने का तरीका बता रही हूँ। ये हमारी लहंगे के ऊपर की ब्लाउज है। इसको ऐसे खोल के, ये हमारा पीछे वाला पीस है, ये हमारा आगे वाला पीस है, और ये और इधर ये दोनों बाजू है। इसमें से हम कोनी बाजू निकालेंगे। सबसे पहले इसमें यहाँ बीच में जोड़ रहता है, तो मैं जोड़ को अलग कर देती हूँ। इसमें हमारे पीस अलग अलग आते हैं ऐसे, और ये कढ़ाई वाले आते हैं इस तरह से। जैसे ये हमारा आगे वाला पीस है, सबसे पहले हम, वैसे तो हम इनर पर कटिंग करते हैं, लेकिन हम कढ़ाई वाली ब्लाउज की कटिंग पहले ऐसे डायरेक्ट कपड़े पर ही करते हैं। सबसे पहले हमें आगे वाला पीस निकालना है। इसको हम ऐसे, इस तरह से इसको ऐसे दोबारा ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ऐसे अच्छे से इसका ऐसे गला मिला के। अगर इसका गला थोड़ा टेढ़ा होगा तो पूरी ब्लाउज की फिटिंग ही खराब हो जाएगी। ऐसे जैसे कि हमें ब्लाउज की लंबाई 15 तैयार करनी है और इसकी चेस्ट 40 करनी है, कमर इसकी 30 है, तो सबसे पहले हम आगे वाले पीस की लंबाई लेते हैं। लंबाई हमारी देखो, ये 15.5 आधा इंच ऊपर सिलाई में आ जाएगा, तो 15 इंच का पूरा पीस हमारा आगे वाला तैयार हो जाएगा। इसके लिए जो हमारा ये गला है, आगे वाला भी बना निकला हुआ है और पीछे वाला गला भी निकला हुआ है। इसके लिए जैसे पीछे वाला गला हमारा डीप है, तो हम 5.5 पर कंधे का निशान लगाएंगे। अगर हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और पीछे वाला गला डीप हो जाएगा, तो हमारे कंधे नीचे उतरने शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए 5.5 इंच का मैं ये निशान लगाऊंगा ऐसे, और आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए ले लेंगे ऐसे, और 6 इंच के मैं ऐसे मुड्डे का निशान लगाऊंगी ऐसे, इस तरह से। आधा इंच हम वो अंदर की साइड लेंगे, ताकि हम इसमें प्लेट डालेंगे, उससे इसकी फिटिंग अच्छी आ जाती है, सलवटी भी नहीं आती है। हमारी चेस्ट ऊपर से 40 तैयार है, तो 40 के चौथाई हमारा 10 इंच हो गया, तो ये निशान हम ऐसे 10 इंच पर लगाएंगे, ऐसे 10 इंच पर लगाएंगे। फिर हम इसको ऐसे मिला देंगे ऐसे। अब इसको भी, इसको इस साइड मिला देंगे ऐसे। अब जो हमें एक्स्ट्रा अंदर के लिए कपड़ा रखना है, उसको आप 1 इंच या 1.5 इंच वो आप अपने अनुसार रख सकते हो, या वैसे कपड़े के हिसाब से भी रख सकते हो। अगर कपड़ा ज्यादा है तो आप अंदर को ज्यादा कपड़ा रख सकते हो, जिसको, जिसे हम ब्लाउज कभी भी खोलनी पड़ती है तो हमें परेशानी नहीं होती। इसमें हम 1 इंच का निशान ये लगाएंगे, यहाँ 1 इंच का निशान लगा के यहाँ से हम ऐसे इसकी गोलाई कर देंगे। अब इस पीस को हम निकाल देंगे ऐसे। इसकी हम जहाँ मैंने निशान लगाया है उसी के ऊपर हम ऐसे कटिंग करते हैं। वैसे कढ़ाई वाले ब्लाउज में हमारे बहुत सी पैड लगवाते हैं, अगर हमें पैड नहीं लगानी है तो हमें प्लेट डालनी होती है। अब कढ़ाई वाले ब्लाउज में ज्यादा प्लेट नहीं डलेगी, एक प्लेट हम यहाँ पे डालेंगे सामने वाली, और एक प्लेट हम ये डालेंगे, और एक प्लेट हम ये डाल देंगे, बीच वाली प्लेट हम नहीं डालेंगे। इसके बाद हम पीछे वाला पीस निकालेंगे। पीछे वाले पीस को भी हम ऐसे कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। वैसे हम इसको चैन नहीं लगाएंगे, इसमें पीछे वाले बैक वाला डिजाइन बनाएंगे जो पीछे हुक लगते हैं, जहाँ ये हमारा सामने कट है यहाँ पे कट लगा के हम इस पे हुक लगा देंगे। जैसे मैंने इस कपड़े को पीस को अच्छे से फैला लिया, अब इसके ऊपर हम ये पीस रखेंगे आगे वाला। आगे वाला पीस इस एकदम जो हमारी कढ़ाई है इसके बराबर रखना है ऐसे, और रखने के बाद अब हम इसमें की कटिंग कर देंगे। कटिंग हम, जैसे ये तो हमारा तैयार है, इसको हम फोल्ड करेंगे, तो फोल्ड करने के लिए हम ऐसे 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, और यहाँ से भी हम, जैसे मैंने कटिंग किया है यहाँ से लेंगे, और 1-1 इंच का ऐसे इसमें हम ऊपर की साइड निशान लगा देंगे ये वाला ऐसे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे।
ऐसे, क्योंकि हम आगे पीछे वाला हिस्सा फोल्ड करेंगे, इसलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। अब इसके बराबर इसकी कटिंग करते हैं ऐसे, इसको 1 इंच आगे वाले पीछे वाले पीस को 1 इंच लूज लेते हैं इस तरह से। ये हमारे दोनों पीस की कटिंग हो गई। अब इसके बाद जो हमारा ये कपड़ा बचा है, इसमें से हम बाजू निकालेंगे ऐसे। बाजू की लंबाई जैसे कि हमें 15 इंच करनी है, वैसे इसकी कढ़ाई तक 13 इंच हो रही है, तो हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे। आगे हम इस तरह से ही डिजाइन बना देंगे इसमें, जैसे यहाँ पे लेस लगा के डिजाइन बनाया है, तो हमारी बाजू भी लंबी हो जाएगी ऐसे। अब इस तरह से ही हम दूसरी बाजू को लेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले इसको ही कटिंग कर देंगे ऐसे। दोनों कपड़ों को हम बराबर, अब इसको भी हम इसके ऊपर इस तरह ही रखेंगे, और इसमें भी हम ऐसे ही डिजाइन बनाएंगे। जो इसमें इस साइड का डिजाइन है, इस साइड के डिजाइन को हम हटा देंगे ऐसे। ये डिजाइन हम आगे की साइड लगाएंगे, इसके बराबर करके पहले हम आगे से कटिंग करेंगे। थोड़ा मोड़ने के लिए 1/2 इंच कपड़ा रख लेंगे। अब हम इधर से ऐसे बाजू का निशान लगाएंगे ऐसे। बाजू की कटिंग मैं आपको अलग से भी बता चुकी हूँ, ऐसे ही ब्लाउज की बाजू की कटिंग होती है, जैसे नॉर्मल बाजू की होती है। इधर से जैसे हमें 5 इंच की आगे से बाजू करनी है, और 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो अब इसको इस तरह से निशान लगा के इसका कटिंग कर दें ऐसे। ये बाजू की कटिंग हो गई। अब इसके बाद जब हम इनर की कटिंग करेंगे, बाजू में हम इनर नहीं लगाएंगे, तो हम इनर को इस तरह से फैलाएंगे ऐसे। अब जो इनर की कटिंग करेंगे, तो इनर में हमारे दोनों तरफ जो कोई जोड़ नहीं आएगा, क्योंकि दोनों तरफ से हमारे ऐसे गले निकले हुए हैं इस तरह से। सबसे पहले हम आगे वाले पीस को यहाँ पे रखेंगे इस साइड। इनर को हम ऐसे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हम अंदर को इनर को फोल्ड करेंगे, और इसके बराबर ही हम इनर की कटिंग करेंगे ऐसे। इस तरह से इसमें हम इनर की कटिंग करेंगे। ऐसे इनर की कटिंग करने के बाद जो हम इसमें प्लेट का निशान लगाएंगे, तो वो इस तरह से लगाएंगे ऊपर से। इस साइड से हम 3 इंच रखेंगे ऐसे। अब 3 इंच के बाद ऐसे 10 इंच पे हम पहली प्लेट का निशान लगाएंगे ऐसे, जो सीधी प्लेट डालेंगे ऐसे। ये प्लेट हम 1 इंच की डालेंगे ऐसे, इस तरह से। इस तरह से हम ये प्लेट डाल देंगे, और ऐसे ही हम दोनों साइड इस तरह से ही प्लेट डालेंगे। फिर एक प्लेट हम क्या डालेंगे, या प्लेट हम बिल्कुल बराबर डालते हैं बारीक वाली ऐसे, और एक प्लेट हम यह डालेंगे। इनमें 1.5 या 2 इंच का हम गैप रखेंगे, या प्लेट हम नहीं डालेंगे। तो ये तो हमारे आगे वाले पीस की कटिंग हो गई। अब इस तरह से ही हम पीछे वाले पीस की कटिंग करेंगे। पीछे वाले पीस को हम उस तरफ से काटेंगे जिधर से फुलाएं। इसके बाद जैसे कि इस तरफ से फुला है, तो हम बैक वाला पीस को भी पीछे हुक लगाएंगे, खुला रखेंगे, तो ये बैक वाला पीस हम इस साइड से निकाल देंगे ऐसे।
अब निकालने इसको रखने के बाद इसकी कटिंग भी हम इस तरह से ही कर देंगे। लहंगे की ब्लाउज की कटिंग अलग नहीं होती, बस थोड़ी कढ़ाई का ही अंतर होता है, इसलिए अगर आप चाहो तो आराम से कटिंग करके ब्लाउज को घर में ही बना सकती हो। अगर हमें ब्लाउज में पैड लगानी है तो हमें आगे का कटिंग थोड़ा प्रिंसिंस कट करना होता है। वैसे अगर आप सादे ब्लाउज में भी कटोरी लगाना चाहो तो आप कटोरी लगा सकती हो। इसमें से हम गले की पट्टी वगैरह ले लेंगे। ये हमारी ब्लाउज की कटिंग तैयार हो गई, लहंगे वाली ब्लाउज की। ये हमारा ऐसे पीछे वाला पीस है और ये हमारा आगे वाला पीस है और ये हमारे बाजू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।